खबर मथुरा से है, जहां ब्रज में कृष्ण के काल से ही लीलाएं होती आई हैं। उसी लीला में से एक ब्रज का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य भी है। ये सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन पिछले 25 सालों से कृष्ण स्वरूप के रूप में करते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की संगीत कला अकेदमी द्वारा कुछ कलाकारों को इसी कला के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पुराने और मंजे हुए कलाकारों ने इसी भेदभाव और चयन को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया। ब्रज के मशहूर कलाकार दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारी प्रतिभा से भेदभाव क्यों, कलाकार अपनी कला और कार्य से जाना जाता है, सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। अकादमी को सभी कलाकारों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। मेरे पास लिखित प्रमाण पत्र और प्रूफ और मेडल भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं। 1997 से मैं इस भूमिका को निभाता आ रहा हूं। लोक नृत्यों में मैं दीपक नृत्य करता हूं, नृत्य भी करता हूं, गाता भी हूं, कृष्ण की भूमिका भी निभाता हूं। मुझे इस चीज का विरोध है। मैंने 30 जुलाई को हिंदुस्तान पेपर में निकला था कि हमारे मथुरा जिले के 3 कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, मुझे उसमें से संजय शर्मा जी के खिलाफ विरोध है, क्योंकि उसमें उनके लिए लिखा गया है कि इनको लोक नृत्यों में महारत हासिल है। तो हमें जरा बताएं कि किस लोक नृत्य में उनको महारत हासिल है। हमने उनसे कहा कि भाई आप कृष्ण बने थे, क्योंकि जो पेपर में छपा था। उनने हमसे गाली देते हुए कहा, गाली की रिकॉर्डिंग बाकायदा हमारे पास में है, गाली देते हुए ये कहा कि तू मेरे सामने पैदा भी नहीं हुआ है, तब से मैं इस लोक नृत्य को कर रहा हूँ। ये सारे हमारे सब साथी कलाकार हैं, जो कि ये चरकुला का जो कार्यक्रम होता है, हम लोग करीब 20 से 25 साल हो गए हमको कृष्ण की भूमिका में अपना कार्यक्रम दिखाते हुए। अभी हमको एक ज्ञात हुआ था कि पेपर में निकला था, मुरारी लाल जी के जो बेटे हैं संजय शर्मा जी, उनको कृष्ण बनने के लिए अवार्ड मिल रहा है, जो कि संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मिल रहा है उत्तर प्रदेश से। हमको अभी पता चला था, तो इसी विरोध में हम सभी लोग जितने भी हैं सब कृष्ण की भूमिका निभाते हैं, और भी काफी कृष्ण है जो कि इस टाइम नहीं आ पाए, तो इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं।